देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं भगवान श्री राम को लेकर, जहां पिछले दिनों प्रदेश भर में सुर्खियों में छाए रहे भगवान श्री राम के प्रतिज्ञा स्थल सिद्धा पहाड़ में खनन लीज की सभी अनुमतियां निरस्त करने के राज्य शासन के आदेश के बाद शुक्रवार को सतना सांसद गणेश सिंह भी लाभ लश्कर के साथ सिद्धा पहुंचे। उन्होंने यहां भगवान के चरण चिन्हों तथा चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी द्वारा स्थापित कराई गई प्रतिमाओं के समक्ष मत्था टेका और कहा कि राम वन गमन क्षेत्र के सभी चिन्हित स्थानों का संरक्षण सरकार करेगी। प्रशासनिक अमले और भाजपा नेताओं के साथ सिद्धा पहुंचे सांसद ने वहां की स्थितियां देखी और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी भावनाओं को भी समझा। सांसद सिंह ने कहा कि त्रेता युगीन चित्रकूट की इस धरती के धार्मिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पूरे क्षेत्र को आस्थावानों की आस्था के अनुरूप संरक्षित करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें चित्रकूट का 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग भी शामिल है। चित्रकूट से अमरकंटक तक जिस भी मार्ग से भगवान राम ने वन में भ्रमण किया, उसे एक सर्किट के रूप में जोड़ने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। सांसद ने कहा कि धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिद्धा पहाड़ को संरक्षित कर चारों तरफ पक्का परिक्रमा पथ तथा बाउंड्री बनाने एवं श्री राम की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। आपको बता दें कि श्री राम प्रतिज्ञा स्थल सिद्धा पहाड़ में जैतवारा के बंसल बंधुओं ने MP मिनरल्स एवं राकेश एजेंसीज के नाम पर पुनः खनन लीज हासिल कर ली। उन्होंने एक कंपनी बनाकर सिद्धा की खनन लीज का सौदा भी कटनी के एक बेहद रसूखदार भाजपा नेता और उनके साथियों निक्कू सलूजा और गुड्डा जैन वगैरह के साथ कर रखा था, लेकिन सिद्धा में लोक सुनवाई की सूचना सार्वजनिक होते ही बवाल मच गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि सिद्धा में किसी भी कीमत पर खनन नहीं होने दिया जाएगा। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सिद्धा में लीज निरस्तगी का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा था, जहां से बुधवार को उसे मंजूरी मिल गई। श्री राम प्रतिज्ञा स्थल सिद्धा पहाड़ पर खनन लीज की अनुमति मिलने के मामले में सियासत भी खूब गरमाई। आस्थावानों ने तो मोर्चा खोल ही, वन्य एवं पर्यावरण प्रेमी तथा सियासत दान भी आगे आए। BCC चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, चित्रकूट के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, रैगांव विधायक कल्पना वर्मा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मैहर से भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी भी आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर हमलावर हुए। जिस वक्त यह मामला सुर्खियों में था, उस वक्त इस मसले पर मुंह खोलकर आवाज बुलंद करने वाले एकलौते भाजपाई नारायण थे। उन्होंने चित्रकूट से सिद्धा तक पदयात्रा का ऐलान भी कर रखा है। उधर चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने सिद्धा में भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करा दी है। इस सब के बाद अब सांसद भी सिद्धा पहुंचे हैं।